Zoom, 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 hey, zoom, 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 hey, zoom. जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे, कसम से कसम से कसम। इतनी रात में मेरे पापा का ही फोन हो सकता है। हेलो पापा, मुझे पता था कि आपका ही फोन होगा। आप कैसे हैं? आप ठीक से तो पहुंच गए ना? मेरा छोड़, तू बता तू कैसे? पापा आप भी ना, मुझे क्या हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले तो आप मुझे छोड़कर गए। मैं बाप हूँ, बच्चों की चिंता तो रहेगी ना। गंगा, लड़कों वालों के साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर तू अपसेट तो नहीं है? कम ऑन पापा, जिसके पास आप जैसे पापा हो, छोटी माँ हो, मासी हो, वो अपसेट क्यों रहेगी? और वैसे वो भी तो है कृष्णा, वो मुझे इतना वक्त देती कहाँ है जो मैं अपसेट रह सकूँ। क्या करूँ? वही जो मुझे हमेशा से पसंद है, पेंटिंग। गंगा तू हमेशा घर रह के बोर नहीं हो जाती? मन ठीक हो आओ, कृष्णा और मीरा को भी साथ ले जाओ। पापा आप तो जानते ना, आपके बिना। हाँ हाँ, मेरे बिना मैं नहीं चाहता कि तू घर बैठ के जो कुछ भी हो उसके बारे में सोचती रहे। You're the best papa in this world. I really love you. जानता हूँ, सब कुछ मैंने तुझे सिखाया। हाँ पापा, आप ही ने मुझे सब कुछ सिखाया है, चाहे वो बास्केटबॉल हो, होमवर्क हो या फिर पेंटिंग हो। आपने हर चीज में मेरी मदद की है। आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती पापा, कुछ भी नहीं। पापा एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ? पापा मेरा यकीन कीजिए, मैं बहुत खुश हूँ। और वाकई में मुझे बाहर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पापा आप, छोटी माँ, मासी, कृष्णा, मेरा परिवार मेरी दुनिया है। मुझे और किसी की जरूरत नहीं। पापा बिलीव मी, आई एम दी हैप्पीएस्ट गर्ल इन दिस होल वर्ल्ड, क्योंकि मेरे पास आप हैं। And I'm the luckiest father in the world, क्योंकि मेरे पास तेरी जैसी बेटी है। जानती हो गंगा, तुम्हारे बारे में मुझे कभी भी कोई डर या कोई इनसिक्योरिटी नहीं रहती, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कभी कुछ गलत नहीं करेंगी। नहीं तो मेरे जैसे और माता पिता हर टाइम फिक्र करते हैं कि उनके बेटे या उनकी बेटियां गलत कदम तो नहीं उठा रही। But I know that you'll never go wrong. कल मैं तुम्हारे पेंटिंग एग्जीबिशन में जाऊंगा, वहां पर बहुत अच्छे पेंटर्स आ रहे हैं, उन सबसे तुम्हारे बारे में बात करूंगा ताकि वो तुम्हें एनरोल कर सके। ओ थैंक यू पापा, आई लव यू सो मच। वालिया साहब, पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं। गंगा मुझे रखना होगा, पूजा की तैयारी हो गई है, मैं कल बात करता हूँ। ओके पापा, बाय, टेक केयर। बाय बेटा, लव यू। Welcome to Mount Zion. Bye.
ये क्या हुआ? हवन कुंड की अग्नि ही बुझ गई। वालिय साहब, हवन कुंड की अग्नि बुझाने से अब ये पूजा खंडित हो गई है। अब हम ये श्राद्ध की पूजा नहीं करवा सकते। पहले निकल गई थी ना माउंट आबू के लिए। गंगा की पेंटिंग्स रजिस्टर करवाई एग्जीबिशन के लिए? नहीं मिस्टर वालिया, मैं बस अभी माउंट आबू पहुंची हूँ। एक्चुअली ट्रेन बहुत लेट थी। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं रजिस्ट्रेशन ऑफिस बंद ना हो, इसलिए मैं बस में भी नहीं आ पाऊंगी। मैं पहले जाके गंगा की पेंटिंग रजिस्टर करवा रही हूं। आप तुम्हें पूरे घर पे मिलती हूं। नहीं वो क्या है ना, यहां पर कुछ अजीब सा हो गया था। हवन की आग बुझ गई। घर के पास वाला जो मंदिर है ना काली माँ का, मैं वहाँ पर जरा आरती करके उसके बाद घर पहुँचूँ। जी ठीक है। अरे प्रणीता कहाँ रह गई? मैं यहाँ हूँ। अरे कहाँ रह गई थी आप? बस थोड़ी सी शॉपिंग कर रही थी। अरे हाँ, ये किताबें मैंने आपके लिए ली हैं। थैंक यू सो मच, ये मेरी फेवरेट नॉवेल है। आपको कैसे पता था कि मुझे ये नॉवेल बहुत पसंद है? जब कोई दिल से अच्छा लगता है ना, तो उसकी पसंद नापसंद खुद ब खुद पता चल जाती है। थैंक यू। मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस जा रही हूँ गंगा की पेंटिंग रजिस्टर करवाने। आप चलेंगे मेरे साथ? नहीं, मुझे काली मंदिर जाना है। सबसे पहले वहाँ पर दर्शन करने हैं। तो उम्मीद करती हूँ हम जल्द ही मिलेंगे। कल मिलेंगे कॉम्पिटिशन पर। टैक्सी, काली मंदिर जाना है। हाँ मैडम, जरूर चलेंगे। रानो, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। एंड थैंक यू। एनी टाइम। See you then, bye. सालों पहले यही नॉवेल मुझे दानी दीदी ने गिफ्ट की थी। आज फिर से मुझे मिली प्रणीता जी के जरिए। माउंट आबू आते ही मानो यादें एक एक करके मुझे छूने लगती हैं। बहुत ठंड है यहाँ। हाँ मैडम, अब हिल स्टेशन है तो ठंड तो होगा ही। आप क्या पहली बार आई है यहाँ पर? हाँ पहली बार आई हूँ। क्या हुआ मैडम? काली माँ का मंदिर तो आगे है। वो सड़क से एक रास्ता जाता है जो सीधे काली माँ के मंदिर को जाता है। गाड़ी वहाँ से लीजिए। अजीब बात है मैडम, उस रास्ते के बारे में तो बहुत कम लोग जानते हैं। और आप तो यहाँ पहले कभी नहीं आए, फिर इस शॉर्टकट के बारे में आपको कैसे पता? मुझे भी पता नहीं।
लेकिन गाड़ी वहीं से लेना। ये मैं कहां आ गई और क्यों? आशा है वो अभिलाषा वो अपनी
जीवन